मेरे भतीजों ने मेरी जायदाद पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है और अब मुझे प्लाट मांगने पर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मेरा प्लाट मुझे वापस दिलाया जाए और अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरे भतीजे ज़िम्मेदार होंगे। सुनहरी फार्म के रिहायशी 80 साल बूढ़े अता मोहम्मद उर्फ अताउल्ला गोराई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक सुनहरी फार्म शहर के रिहायशी 80 साल बूढ़े अता मोहम्मद उर्फ अताउल्ला गोराई ने अवामी प्रेस क्लब बांधी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुनहरी फार्म में मेरे घर के प्लॉट पर मेरे भतीजों असदुल्ला कुराई, लतफुल्ला कुराई, सनाउल्ला कुराई, शफीकुल्ला कुराई और दीगर ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत मैंने सुनहरी फार्म में कुराई बरादरी के मुअज्जिज़ीन और बांधी में मुअज्जिज़ीन को की है, लेकिन मेरे भतीजे इंतहाई बासर होने की वजह से किसी की बात नहीं मानते और कहते हैं जो करना है कर लो, जिसको शिकायत करनी है कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ जाऊँ अपना हक मांगने पर, मुझे मेरे भतीजे जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। उन्होंने आईजी सिंध पुलिस, डीआईजी शहीद बेनज़ीराबाद और एसएसपी नौशहरो फिरोज से मुतालबा किया है कि मुझे इंसाफ दिलाएं, मेरी ज़िंदगी को बचाएं और मुझे जान से मारने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।